गाइस वेलकम टू द माय चैनल गाइस आज मैं रिनोल्ड का टेस्टर है डीजल, तो आज मैं क्लस्टर मीटर में लाइट शो कर रहा, कॉइल लाइट आ रहा है और वायरिंग का लाइट आ रहा है, तो आज मैं इसके ऊपर ही वीडियो बनाने वाला हूं। और गाइस स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि क्या इशू है, जो कि बहुत सारे लोग इस पर काम भी कर चुके हैं, इसका कैमशाफ्ट सेंसर भी रिप्लेस हो चुका है। और गाइस जब ये गाड़ी हमारे पास आई तो मैं डायग्नोज करूँगा और स्कैनिंग में किया, तो गाइस स्कैनिंग में वो कैमशाफ्ट सेंसर बताया, जिसकी गाड़ी है उसने काम करवाया, बोला कैमशाफ्ट सेंसर भी रिप्लेस किया, बट कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो गाइस ये क्या होता है, 1-2 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे तो लाइट इंडिकेशन आ जाता है और गाड़ी पिकअप ड्रॉप करती है, गाड़ी का पिकअप पूरा ड्रॉप होता है, पिकअप नहीं रहता गाड़ी में। तो आज मैं उसके ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस लेट गेट स्टार्ट मेकिंग वीडियो अबाउट दिस कार गाइस। देख सकते हैं क्लस्टर मीटर में लाइट शो कर रहा है और ये दोनों लाइट आ रहा है इंडिकेशन, और ये जब लाइट आता है गाइस तो गाड़ी में पिकअप ही नहीं रहता, पिकअप ड्रॉप हो जाता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और क्या इशू है गाइस, और प्लीज़ मेरे चैनल को गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे गाइस। और गाइस मैं ऐसे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ गाइस, सो थैंक यू वेरी मच गाइस। गाइस ये लाइट आप देख सकते हैं और आरपीएम भी देख सकते हैं, अभी मैं गाड़ी स्टार्ट रखा हूँ, आरपीएम कुछ 800 के ऊपर समथिंग है, तो आप देख सकते हैं इसका। अभी मैं एसी ऑन किया हूँ, एसी में थोड़ा सा आरपीएम इंक्रीज होता है। यहाँ पे पाइप डैमेज है और यहाँ से अगर एयर लीक करेगा तो एयर सक नहीं करेगा, तो मैं कटिंग करके लगाऊंगा। क्यों, तो मैं स्टार्ट करके चेक किया तो कभी इसमें आ रहा है और कभी नहीं आ रहा है, कभी इसमें एयर सक कर रहा है तो कभी नहीं, तो यहाँ से लीक रहेगा तो भी नहीं करेगा, यहाँ से लीक करेगा क्योंकि हार्ड होने के बाद पाइप क्या होता है, क्रैक हो जाता है, तो ये पाइप क्रैक है, आप देख सकते हैं दोनों पाइप है, ये तो नहीं दिख बराबर, बट यहाँ पर है, ये यहाँ पे क्रैक है और ये तो ज़्यादा दिख रहा है आपको, तो ऐसा है यहाँ इसमें है, ये जॉइंट के अंदर या और यहाँ भी है, तो मैं कटिंग करके लगाऊंगा उसके बाद देखूंगा और क्या इशू है। तो भाई एक साइड कट किया और यहाँ भी करने वाला हूँ, इसको भी यहाँ भी क्रैक है, इसको भी कट मारूंगा, इसको भी कट मारूंगा। तो गाइस देख सकते हैं मैं गाड़ी स्टार्ट रखा हूँ और मेरा फास तक कर रहा है, हाँ स्टार्ट रखो, तो गाइस देख सकते हैं अभी मैं पेपर लगाया, पेपर खींच लिया है, देख सकते हैं अभी वैसे उसके अंदर बराबर चक्कर है, पेपर खुचरा कर रहा
तो गाइस देख सकते हैं अभी मैं पाइप अटैच कर दिया हूँ, ये टर्बो का पाइप है। तो गाइस देख सकते हैं अभी मैं पाइप कटिंग करके और जितने सारे क्रैक पाइप थे सब निकाल दिया, रिमूव ऑफ कर दिया उसको। तो गाइस जब मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा और देखता हूँ लाइट इंडिकेशन आ रहा है क्या, देख सकते हैं अभी इग्निशन ऑन किया हूँ और अभी गाड़ी मैं स्टार्ट करूँगा। तो गाइस लाइट तो चला गया, ओके हो गया, बट अभी मैं ट्रायल मारूँगा और किलोमीटर देख सकते हैं वापस मैं चेक करूँगा और स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ आपको गाइस। गाड़ी स्टार्ट रखा हूँ मैं, अभी आरपीएम भी नॉर्मल पे है और एसी ऑन करके देखता हूँ। तो गाइस अभी मैं एसी ऑन किया हूँ तो आरपीएम थोड़ा रिज्यूम हुआ है। गाइस ये गाड़ी भी रेस हो रहा अभी बराबर, अभी फटाफट रेस हो रहा गाड़ी, अब देखता हूँ गाइस ट्रायल मार के। देख सकते हैं अभी किलोमीटर रेजिंग हो गया है और मैं चलाया, लाइट इंडिकेशन नहीं है और गाड़ी ओके हो गई, किलोमीटर आरपीएम भी देख सकते हैं। तो गाइस अभी ओके हो गया गाड़ी। लाइट का इश्यू सॉर्ट आउट कर लिया, बट मैंने अभी EGR भी इसका क्लीन कर दूंगा ताकि इन फ्यूचर कभी कुछ आवे नहीं। तो अभी मैं निकाल रहा हूँ, ये तो EGR है ये डस्टर का, तो देख सकते हैं जाम है और इसको क्लीन करूँगा मैं। तो मैं ये निकाला हूँ अभी और देख सकते हैं वाल पूरा जाम है और उसको क्लीन करूँगा। तो कोई बोले तो गाइस अभी ये देख सकते हैं ये पूरा जाम है वाल इसका, दबा इधर से पुश करने का पुश नहीं हो रहा है। तो अभी मैं इसको क्लीन करूँगा और मारा हूँ इसको, अभी क्लीनर मारा हूँ और क्लीन करूँगा, स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा आपको। EGR है देख सकते हैं अभी EGR मैंने चकाचक कर दिया, एकदम क्लीन कर दिया, नीट एंड क्लीन किया। तो गाइस ये ऑपरेट करके EGR को अभी ऐसा देखने का तो वाल ओपन होना मांगता है। ये निकाल के इसे डिसमेंडल किया और मोस्टली EGR का इशू रहता है, EGR सबसे पहले क्लीन करने का, यार पिकअप विकअप का कुछ इशू आया लाइट इंडिकेशन का और सेकंड स्टेज में थर्ड स्टेज में बाकी सब चेक करने का, वायरिंग हार्नेस और गाड़ी तो स्कैन करना ज़रूरी है, पहले स्कैन कर लेने का गाड़ी को। तो आप देख सकते हैं अभी वो ओके चल रही है। नहीं सर नंबर प्लेट फोटो